अस्सलामुअलैकुम। 1984 में लखनऊ में एक कॉलेज बना जिसका नाम था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये बना था लखनऊ के आउटर एरिया में, लेकिन अब वो आउटर एरिया कितना आउटर रह गया है ये आज हम आपको दिखाएंगे। लखनऊ अब विकसित हो रहा है, आपका लखनऊ वो लखनऊ नहीं है जो आज से 15-16 साल पहले था। तो अब ये आउटर एरिया कितना है ये आज हम आपको दिखाएंगे, और यहाँ पर कई सारे कॉलेजेस हॉस्पिटल्स खुले हुए वो सब हम आपको दिखाएंगे। मार्बल्स की दुकानें, दुकान क्या इतने बड़े बड़े गोदाम है, वो सब हम आपको दिखाएंगे। और हमें पता है आपका कॉलेज से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि इस दुनिया में आप एक लौती ब्रीड नहीं है, कई तरह की ब्रीड है। और इस कॉलेज में ऐसा नहीं है कि बस दिल की एडमिशन लेने का तो आओ चले, बहुत पैसा है चलो आओ एडमिशन ले ले, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है। और ये सफर हम शुरू करेंगे जहां से आपको याद होगा डालीगंज वाला जो हमारा वीडियो था, जहां से हमने रत्तीलाल की दुकान से आगे ले गए थे डालीगंज दिखाया था, उसी तरह रत्तीलाल की ही दुकान से हम पीछे की तरफ ले चलेंगे IIM रोड की तरफ। तो ये पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। अब इससे पहले कि आपके अंदर इच्छा जाग जाए कुछ और, आपको चलकर दिखा देते हैं जल्दी से IIM रोड, तो चलिए मेरे साथ। तो अब हम चल रहे हैं IIM रोड की तरफ। अब इससे पहले कि आप चकरा जाए कि यार ये सब कहां कहां से चल रहे, तो ऐसा कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि हम कहां से चल रहे हैं। तो जरा ये देखिए पीछे, ये है पुल, अगर आप सीधे जाएंगे तो पक्का पुल जाएंगे, गिर जाएंगे, इसलिए मुड़ जाता है ये। तो वहां पे आप पहुंच जाएंगे 4 नंबर 4, तो वहां नहीं जाना है, नीचे से जाएंगे तो पहुंचेंगे पक्का पुल, और नीचे से ही डालीगंज भी आता है। तो हम अब इधर आ चुके हैं, यहां से हम चलेंगे IIM रोड की तरफ, और जो जो पड़ेगा वो भी दिखाएंगे। और सामने पड़ती है गल्ला मंडी, उसका भी वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप देखेंगे चैनल पे मिल जाएगा, तो दिखाएंगे आगे वो मंडी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ से चलते हैं, तो सबसे पहले हम चलेंगे तो मंडी ही आएगी, लेकिन मंडी से पहले एक और चीज़ आएगी वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, क्योंकि ये जो रोड है ये सीतापुर रोड कहलाती है। तो अगर सीतापुर जाना है तो यहीं से निकल सकते हैं, लेकिन अभी सीतापुर हम नहीं जाएंगे, आगे से मुड़ जाएंगे IIM रोड की तरफ। और ये है बिजली विभाग, आपका बिल आ चुका है तो जल्दी से यहाँ आकर के जमा कर दें, क्योंकि अगर आप नहीं जमा करेंगे तो फिर यहीं से आकर लोग काट भी देंगे आपकी बिजली। तो हम चल रहे हैं सीधे, तो यहाँ पे ये जो रोड है पहले जो पड़ेगी गल्ला मंडी पड़ेगी बिजली। और ये देखिए ये है कोचिंग, यहाँ पर सब कोचिंग लगी हुई है, पढ़ाई में अगर मन है तो आ जाए, वरना कोई बात नहीं। हमें पता है पुरानी यादें अगर आपकी हो गई होंगी तो आप इसको याद नहीं करना चाहेंगे, तो कोई बात नहीं। ये आगे यहाँ पर मंदिर है, और यहाँ से देखिए ये सब फल के ठेले लग जाते हैं, अब काफी दूर तक लगते हैं, वो सब हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे सब लाइन से लगे हुए, मंडी से पहले ही से शुरू हो जाते हैं, मंडी के बाद तक लगे रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे ठेले लाइन से लगे हुए हैं। तो अब ये देखिए आपको बोर्ड दिख गया होगा नवीन मंडी का, नवीन मंडी स्थल, यहाँ पर ये देखो। और ये ठेले ये है, यहाँ से आप एंट्री लेंगे, और कितनी बड़ी है वो वीडियो में हमने पहले ही दिखाया हुआ है, आप देखें जाकर। यहाँ पर देखो ये सब ठेले लगे, तो फंस गए हम लोग को, ये निकल चुके अब हम यहाँ से। और देखो यहाँ से अंदर जाएंगे और ये बाहर भी निकल सकते हैं इधर से, एक रिक्शा खड़ा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि बोरा थोक में होता है ना, सब दुकान वाले भी ले जाते हैं यहीं से, तो ले जाएंगे, क्योंकि बोरा भर के लेना हो तभी आइएगा, 1 किलो लेने आने का कोई फायदा नहीं, ले सकते कुछ चीज़ मिलती है लेकिन बोरा ही मिलती है, क्योंकि मंडी है ये। तो यहाँ से अब हम चल रहे हैं आगे, ये देखिए सब ठेले लाइन से लगे हुए हैं, फल वगैरह लेना हो तो इस रोड पे आ सकते हैं। आगे जो अब यहाँ से आएगा वो आएगा पुरनिया चौराहा, तो पुरनिया चौराहा भी हम दिखाएंगे। ये है पेट्रोल पंप, पर हमारी गाड़ी में पेट्रोल है तो हम क्यों डलवाएं, तो आगे चलते रहेंगे। ये जो पुल दिख रहा है आपको सामने, ये है पुरनिया चौराहा के पास, पुरनिया चौराहा आएगा आगे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए ये जो रास्ता आइए, अगर ये सीधे चले आएंगे तो बंदा होकर पक्का पुल पहुंचेंगे, इतना ये कनेक्ट करती है पक्के पुल से डायरेक्ट पुरनिया चौराहा। तो यहाँ अब हम आ चुके हैं, ये है पुरनिया चौराहा, इधर से जाएंगे अलीगंज आ जाएगा राइट हैंड साइड पर हमें वहाँ भी नहीं जाना, ये हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर भी, तो ये भी एक हॉस्पिटल है, ये हम आपको दिखा दे रहे हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं आपको कभी हॉस्पिटल ना जाना पड़े, लेकिन ज़रूरत पड़े तो हम दिखा रहे हैं कोई आप आ सकते हैं। और बहुत सारे पड़ेंगे अभी हॉस्पिटल्स भी कॉलेजेस भी, वो सब हम आपको दिखाते रहेंगे। हम आगे की तरफ चल रहे हैं, और ये हमने लगभग अब पुल को क्रॉस किया है, जो यहाँ पर पंचर हो जाए गाड़ी तो बनवा सकते हैं, और भी सामान, कबाड़ की दुकान भी है यहाँ से। और ये आगे जो पड़ रहा है ये है प्रियदर्शनी योजना में आपका स्वागत है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आपको जानकारी हो तो लिख दे कमेंट बॉक्स में, तो हम पढ़ लेंगे। इधर भी देखिए यहाँ पर इस साइड, और आगे हो सकता हो आप आज से 3-4 साल बाद आए तो और भी इसका नक्शा पूरा बदल चुका हो,
देखो, और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सी फर्नीचर की भी चीज़ें मिलती हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आगे देखिए कुछ यहाँ पर दुकानें हैं, जो ठेले अभी भी खत्म नहीं हो रहे। ये देखिए यहाँ पर ये मेज़ वगैरह मिल रही हैं, और जिस हिसाब से यहाँ मिल रही हैं यहाँ मतलब सस्ता भी होगा। ये कॉलेज पड़ा हुआ एक सेंट जोसेफ ठाकुरगंज में भी हम लोगों ने देखा था। ठाकुरगंज वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देखें, वहाँ पर भी ये पड़ा था। तो कॉलेज से अब हम थोड़ा सा और आगे आ चुके हैं, यहाँ से हम आपको दिखाते हैं, पर हम उससे पहले आपको जानकारी दे दें, हमारा एक और चैनल है एजाज की बात, जिसमें हम मज़ेदार अंदाज में बात करते हैं, आपको मज़ा आएगा। तो जल्दी से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और आगे बिल्डिंग्स भी पड़ेंगी, वो भी हम आपको इस रास्ते में दिखाएंगे। एल्डिको कंपनी, उसका भी प्रोजेक्ट होते हैं कई, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसमें पढ़ते हैं रास्ते में, पढ़ रहे हैं तो दिखा दे रहे हैं। इसके अलावा आगे एक और अभी चौराहा आएगा, वहाँ से अगर ये राइट हैंड जाना है अलीगंज की तरफ, तो ऐसे डिवाइडर से फांद कर नहीं जा सकते आप, तो ये हरकतें ना करिएगा। आपको दिखाएंगे, आगे बोर्ड भी लिखा हुआ है, क्योंकि उस चौराहे से जा करके आपको यू टर्न लेना होगा। फिर यू टर्न लेंगे तो फिर उधर आगे फैज़ाबाद रोड पड़ती है, वहाँ से फैज़ाबाद रोड, बाराबंकी, इंदिरा नगर, अलीगंज। ये देखिए बोर्ड है यहाँ पर, ये लिखा हुआ भी है, आप पढ़ लें। जानकीपुरम भी इधर ही पड़ेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज भी इधर ही पड़ेगा, पर वो आगे जाके यू टर्न लेंगे तो आएगा। देखिए उधर से जो आ रहे हैं, ये पुल पर से आपको दिख रही होंगी गाड़ियाँ इधर जा रही हैं, और हमको जो जाना है वो भी पुल पर से चलना है, पर कौन सा वो हम आपको आगे दिखाएंगे। देखिए ये वो चौराहा है, पर यहाँ से रास्ता बंद है, चौराहे से आप नहीं जा पाएंगे, इधर पूरा बंद है, तो बस इधर से सीधे आना होगा। और ये हम आ चुके हैं पुल के अंदर, और आप देखेंगे जो मेरा ये राइट हैंड का रास्ता देखेंगे, यहाँ से आपको आगे चल के यू टर्न लेके इस पुल को चढ़ के तब वो पार करना होगा। और जो ये देखिए थाना है, और ये जो लेफ्ट हैंड वाला ऊपर का ये जो पुल दिख रहा है, यहाँ से जब उस साइड से उतरेंगे तो इधर है, तो ये देखिए राइट हैंड ये जो जा रही हैं गाड़ियाँ, यहाँ से जाएंगे तब उधर पार होगा। तो अब हम यहाँ से सीधा चलेंगे आगे आईएम रोड की तरफ, ये पुल हमने यहाँ से पार कर लिया है। अब आगे देखिए यहाँ पे बिल्डिंग्स दिख रही हैं, वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ से सब ये सब गाड़ियाँ मिल रही हैं आगे जाने के लिए सीतापुर, गाड़ियाँ शायद यही होगा, पता नहीं है क्योंकि हमने इस तरह का ट्रैवल किया नहीं है, पर जिस हिसाब से लग रहा है वो यही होती होगी, गाड़ियाँ बैठा के ले जाते होंगे, क्योंकि चलती है ना ये वाली गाड़ियाँ। ये देखिए यहाँ पर भी, तो ये एक प्रोजेक्ट यहाँ पे, ये देखिए बिल्डिंग बनी हुई जबरदस्त एलडीको, बढ़िया लगता है, लेकिन इस तरह का शहर देखने में खूबसूरत लगता है, ऐसे अगर प्रोजेक्ट बने हो पूरी रोड पर। टोल रोड है ये, आगे है टोल रोड, यहाँ तो हमें कोई टोल नहीं देना है। लेकिन अब देखिए आप ये कितना हम आए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया, एक समय था इसको ये कह के बनाया जाता रहे बड़ी दूर है, लखनऊ के आउटर एरिया में है आईएम रोड, पर अब ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर और भी मिठाई की दुकान इतनी भयानक, ये देखिए टाटा मोटर्स के शोरूम, गाड़ियाँ वगैरह भी मिल रही हैं। अब हम निकल चुके हैं, ये देखिए रोड कितनी ज़बरदस्त, ये है सीतापुर रोड। और जो राइट हैंड पर अगर आप, ये देखिए ये लॉन है फिलहाल, भगवती वाटिका इसका नाम है। तो मेरे जो राइट हैंड, ये जो रोड है इसके राइट हैंड पर ये ट्रैक है रेलवे, आगे ट्रेन, क्योंकि सीतापुर के लिए जो ट्रेन जाती है वो आगे। देखिए कानपुर रोड है लेफ्ट हैंड साइड पर, हरदोई भी लेफ्ट हैंड साइड पर, आगे मुड़ेंगे तो आएगा, तो वो हम आपको दिखाएंगे आगे चले। और सीतापुर बरेली जाना हो तो सीधे चले जाएँ, तो अभी हम फिलहाल आगे चल के मुड़े। तो अब आप देखेंगे ये जो पुल आ रहा है, हमको इस पुल पर नहीं चढ़ना है, अब हम इधर से पुल के नीचे से चलेंगे ये, और फिर आगे चौराहा आएगा वहां से हमको लेफ्ट मुड़ना होगा। देखिए ढाबा भी है पंडित जी का, तो भूख लग जाए तो खाना भी खा सकते हैं, गमले मिल रहे हैं, गमले वगैरह लेने हो तो ले सकते हैं, पेड़ अपने बोए। और यहाँ पे ये देखिए एक और शोरूम, अरे दो है क्या, दो शोरूम है। तो इस रास्ते पर अब हम आ चुके हैं, थोड़ा सा देखा ये देखिए यू टर्न का इशारा भी बना हुआ है, ये देखिए ये चौराहा है, तो अब हम यहाँ से मुड़ेंगे लेफ्ट। तो ये हमने ले लिया है लेफ्ट, और लेफ्ट आने के बाद अब ये है आईएम रोड, ये वो रोड है जहाँ से अब हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे। और इस रोड को सीधे जाएंगे तो कांशीराम इको गार्डन भी इधर ही पड़ेगा, उसके अलावा रायबरेली, कानपुर, प्रयागराज सब इधर ही सीधे पड़ता है, पर हमें इतनी दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको लखनऊ घुमा रहे हैं, पर इस रोड पे सीधे जाएंगे तो वो पड़ेगा।
तो अब सीधे चलते हैं और जो जो पढ़ता जाता है वो हम आपको दिखाते जाएंगे। देखिए यहां से शुरू होगा रोड, देखिए कितनी चौड़ी। तो यहां पर ये जो पहला पड़ा है ये क्या है, ये दिख नहीं रहा है, पर कुछ है, पर वो दिखा, पर जो दिख रहा है वो हम ये है महर्षि यूनिवर्सिटी। अब ये लग रहा हो छोटी है तो रुकिए दिखाते हैं। ये देखिए विद्या मंदिर कितनी बड़ी, आप देखिए महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कॉलेज है और कितना बड़ा। इस तरह इस रोड पे कई चीजें हैं तो वो हम आपको सब दिखाते रहेंगे। ये देखिए ये भी अभी वही यूनिवर्सिटी ही चल रही है, यूनिवर्सिटी इतनी है ना काफी बड़ी है। तो ये अब हम चल रहे हैं आगे इस तरफ। ये देखिए ये यहाँ से राइट हैंड पे कई मार्बल की दुकान है, मुंह से दुकान निकल रहा है तो दुकान समझ ले, पर वो दुकान नहीं, बड़ा है काफी। ये हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल पड़ रहा है यहाँ पर। ये क्या है, पैराडाइज पाम, बेहद खूबसूरत लग रहा है देखने में। और ये देखिए ये जो पहला पड़ा हुआ है आपको दिखेगा, ये अजय सुपर स्टोर, उसके बगल में है ये है मैरिज लॉन, ये बसंत कुंज लॉन नाम है इसका। ये भी काफी बड़ा लग रहा है देखने में, ये भी इसी रोड पर पड़ता है, कितनी जबरदस्त। शादियां करनी हो तो यहाँ आप आ सकते हो, सकता आपको इन्विटेशन आए अगर कोई दावत देता होगा आपको। ये है मानोदय विद्यालय लेफ्ट हैंड पर जो दिखाया अभी हमने आपको, कितने कॉलेज पढ़ चुके हैं, एक वो पहले आईटी कॉलेज पढ़ा फिर ये विद्यालय पढ़ा, लॉन पढ़ चुका है आगे, और अब ये हम पार कर चुके हैं। ये आगे क्या है देखिए, ये एसडी पैलेस, शादियां होती हैं क्योंकि बना भी वैसे ही गेट है, अभी लग रहा हुई है नई नई शादी किसी। तो ये देखिए दूसरा शादियां कुछ ज्यादा यहाँ हो रही है क्या। ये है पहला मार्बल, नकोड़ा मार्बल, नकोड़ा मार्बल कुछ होगा ना। ये देखिए इसी तरह आगे और पढ़ेंगे वो भी हम आपको दिखाते रहे इस रोड पर। ये क्या है भी, वही है, काफी बड़ा है वो, ये लॉन है, फिर से मैरिज लॉन पड़ा। ये देखिए फिर से एलडीको का कोई प्रोजेक्ट है, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो अब और आगे चलते हैं। ये देखिए ये कोटा स्टोन मार्बल, कोटा में तो पढ़ाई होती थी, मार्बल बिकने लगा, फिलहाल मार्बल बिक रहा है यहाँ पर कोटा में। तो अब और आगे चलेंगे और इसी तरह आगे चलने पे अब चौराहा पड़ेगा, वो आईएम देखिए बना भी होगा वहां पर आईएम। ये भी देखिए क्या है, ये पंचर की दुकान, ये सही क्या है कि रोड पे पंचर की दुकान है, क्योंकि ऐसे पंचर होती है बहुत तकलीफ होती है। कजारिया वाले कैसे रुक सकते, जब मार्बल बिक रहा तो कजारिया वाले तो होंगे कहीं ना कहीं। तो ये दिख गए, ये भी हॉस्पिटल, फिर से एक हॉस्पिटल्स भी कई सारे बने इस रोड पे। देखिए ये भी साइकिल बिक रही, हॉस्पिटल ये दो धंधे कर रहे हैं क्या, साइकिल भी बेच रहे हैं साथ में। और इसी रोड पर आगे चले जाएंगे तो काकोरी भी पड़ेगा, काकोरी। तो अब ये देखिए ये जो चौराहा आ चुका है, ये देखिए आईएम लिखा हुआ भी वहां पर, ये देखिए आईआईएम जबरदस्त स्टाइल में लिखा हुआ, डिजाइन देख रहे जबरदस्त। तो अब हम यहीं से राइट मुड़ेंगे, वहां नहीं जाएंगे अब सीधे, ये रास्ता अब हमें यहां पर चलना है, इसके अंदर ये है हमारी मंजिल। अब ये इधर से ये रोड आई है, पर हम घूम के आए हैं, ऐसा नहीं है कि इधर से फान आए। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है, ये आप पढ़ लें, थोड़ा सा हम रोक भी देते हैं। ट्राई नॉट टू बिकम ए मैन ऑफ सक्सेस बट रेदर देन ट्राई टू बिकम ए मैन ऑफ वैल्यू, सही है। तो इस तरह आप चल रहे हैं क्योंकि पहले ही बोर्ड लगा दिया भाई आप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है पास में। और ये है श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट, पीछे गया है इस रोड पे काफी, ये मंदिर है। अब इसी के आगे और चलेंगे, ये है श्री रामचंद्र मिशन गेट नंबर 3, ये भी कुछ है जबरदस्त बने हुए अंदर से, बड़े बड़े हैं काफी। तो
तो अब इस रोड पर आगे चलते जाएंगे और आईएम रोड, आईएम कॉलेज आने वाला बाबू जी मेमोरियल आश्रम, ये भी उसी का हिस्सा है। रामचंद्र मिशन कितना बड़ा है, आप देख रहे हैं कहाँ से दिखाया था थोड़ा, ये भी क्या लिखा हुआ है। अच्छा ये तो है, आई एम बोर्ड दिख गया है भैया, बस आने वाला है और कुछ ही पलों का क्षण। ये देखिए, ये भी पढ़ लें आप, और ये देखिए, ये है IIM, ये देखिए। पर यहाँ पर पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं डायरेक्ट घुस जाएंगे, बस मन कराओ चले ले लें एडमिशन, तो ऐसा नहीं मिलता है यहाँ। क्योंकि अगर ऐसे ही घुसे ना, तो ये जो झाड़ियाँ दिख रही हैं यहाँ पर, ये तो आप जब से ही आएंगे, पहले तो हम आपको दिखा देते हैं फिर बताते हैं। देखो ये तो है चौराहा जहाँ से हम सीधे से आए थे, ये है कॉलेज, ठीक है, जहाँ एडमिशन लेना अभी आपके बस का नहीं है, मेहनत करोगे तो ले पाओगे। लेकिन अगर ऐसे ही घुसे ज़बरदस्ती, तो ये जो झाड़ी दिख रही है यहीं पटक के मारे जाओगे, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं आना है। बस आज का हो गया, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। हम जल्द आएंगे इंशाल्लाह वापस। अल्लाह हाफिज़।